I'm an idiot. तो आज हम बैठे हैं पतली वाली गली में, इसलिए बैठे कि यहाँ पर ठंडक थोड़ी ज़्यादा है। पूरे भाई नितिन अपना फ़ोन चला रहे हैं, पर आज मैं अपने दूसरे दोस्त के साथ बैठा हूँ। मेरा बहुत पक्का दोस्त है, वो अभी थोड़ा सो रहा है। अच्छा है, पर बहुत अच्छा है, शायद एक ब्लॉक में आया भी है। चलो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। शेरू, ओ शेरू, शेरू खड़े हो, शेरू शेरू, हाँ मिल लो इनसे, हाँ मिल लो, अच्छे हो तुम, हाँ दिखाए दे। नहीं सॉरी भाई, ज़्यादा गुस्से में आ गया, बहुत ज़्यादा, मतलब ये देखिए कितनी जल्दी भगा यहाँ से, लगता है उसे एक केट आई थी। सो आओ शेरू, सो तो चला गया। सो मैं यूँ बोल रहा था कि मतलब आज इसने अपने फ्रेंड को बुला लिया बहुत सारे। देखो मैं आपको शायद बाहर से दिखा दूँ, ये देखिए इसके फ्रेंड कितने सारे आ गए, बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो उसके फ्रेंड तो उसके साथ झगड़ा करने गए हैं, चलो जान दो। सो आज था शनिवार और मैं अभी स्कूल से आके यहाँ पर ठंडक वंडक मतलब अच्छा लगता है, इसलिए सब आके बैठ जाते हैं यहाँ पर। अभी तो हम ही दो हैं और दो तीन और आते हैं, वो भी यहीं बैठते हैं यहाँ से, मतलब अपने यहाँ से भी जा सकते हैं, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से जा सकते हैं। सो बस अभी तो पहले हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, फिर आज मेरा टेस्ट ट्यूशन में, तो ट्यूशन में टेस्ट मैं कभी ज़्यादा नहीं आते, जितने आएंगे जितने का आए उससे से आधे से आधे से आधे सही है। कुछ नहीं, अभी टेस्ट है वो पूरा करेंगे, पहले यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, चलो पहले बैठते हैं। ओके तो अब बाहर आ गए हैं, तो वो जो वहाँ ऋतिक खड़ा है, देखो आपको दिखाते हैं, ऋतिक देखिए खड़ा है, तो इसने बुलाया इसके पास, चल बोल रहा चलो गए अंदर यार, थोड़ा बहुत घूम के आते। वो अंदर का बोला, वो मंडी वाली शायद, मैंने मंडी वाली एक वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि उसमें कॉपीराइट बता दी थी, तो बहुत बुरा लगा। देखो भाई अपनी हेयर स्टाइल हो गई भाई, भाई हेयर स्टाइल कटाई भाई, जिस दिन इसने कटाई थी ना उस दिन इतनी गजब लग रही थी ना भाई, मतलब कुछ भी ऋतिक तो खवाई नहीं पड़ रहा था। और आयुष भाई ये अभी फ्री हुए हैं, दो तीन दिन हुए, मतलब ये बहुत बिजी बंदे थे। चलो अब हम लोग अंदर बैठ के फिर, आज टेस्ट है तो आज डर लग रहा था, अंदर से डर लग रहा क्योंकि मेरे मार्क्स कभी ज़्यादा आए ही नहीं है। आपको दिखाने वाला हूँ कि मंडी के अंदर कैसा, मतलब मंडी है पर उसके पार्किंग है, वो सबसे ज़्यादा मंडी में आपको आने नहीं देता क्योंकि वो सामने एक पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से कोई अलाउ नहीं करता कि अंदर जाना मना है। तो आज मतलब हम लोग घुस आए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ मंडी कैसी, मतलब उधर कार आर और ऑटो ऑटो जो खड़े रहते हैं वो खड़े रहते हैं, तो पहले हम बहुत आते थे पर अभी आना बंद हो गया, तो आपको दिखाते कि मंडी कैसी है। वहाँ से शुरू होती है और धीरे धीरे यहाँ एक कारें खड़ी हैं, ये देखिए शायद अब मेरा फ़ोन ज़्यादा क्लियरिटी दे रहा है यहाँ से, मतलब और इधर हस्ती हस्ती कर रहे हैं ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर ये देखिए, और ये देखिए, और ये मतलब साइकिल वाइकल चला रहे बहुत, इतनी बड़ी मंडी है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ वो नहीं है खास, सिर्फ एक चीज़ है लटकने वाली बस। तो मैंने आज आपको मंडी दिखा दी है कैसी है और कैसी नहीं है, और मैं आपको क्या कहते हैं अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ लूँ और उसके बाद मैं शायद पतली गली भी जा सकता हूँ, टेस्ट की तैयारी भी करने जा सकता हूँ। तो अब आदत पड़ गई टेस्ट की तैयारी ना करके स्कूल ट्यूशन जाने की, तो हमें बहुत अच्छा लगता है मार नहीं खाने में। चलिए तो अब हम जा रहे हैं पतली गली में, और तीनों लोग आ गए हैं भाई, ये भी फ्री हो गया तो ये भी वीडियो में आने लगा, वरना इसको भी देखा था आपने कितने दिन, वन मंथ के लिए बंद हो गया था। तो हम लोग फिर से पतली गली जा रहे हैं, वो पतली गली में जो भी काम है वो करके फिर मैं घर जाता हूँ। मेरा भाई अंदर फ़ोन मांग रहा है, देखे उसके हाल दिखा दो, ना फ़ोन ना मिलने के हाल दिखे, देखो उसके कहा अभी तो रो रहे थे, अभी हाल जस्ट रो रहा था और देखते ही हाय गाइस, तो कुछ नहीं पहले अभी ने थोड़ा फोन चलाने के लिए देते, उसके बाद और मेरे को टेस्ट की तैयारी करनी है। तो अभी तो देखिए राइट 12:30 बजे मैं करूँगा, कितने 2 बजे शायद, हाँ 2 बजे पक्का है। ओके आ चुके हैं घर पर, और घर पर मतलब मेरी मम्मी मेरे लिए दाल चावल मिला दिए हैं, और अब मैं थोड़ा इन्हें खा लूँ। मैं मतलब बहुत देर से घूम रहा हूँ, वो बच चुके हैं कितने 1:41 हो गए हैं, और मैंने बोला था कि मैं 2 बजे पढ़ूँगा, तो पहले मैं खाना खा लूँ, खाना खाने के बाद तो मैं अब पढ़ने बैठता हूँ। ओके तो पहले खाना खा लेते हैं, खाना खा लिया है और हम जा रहे थाली रखने आके, और अभी बज गए हैं पूरे 2,
दो बज चुके और अब मैं जा रहा हूँ टेस्ट की तैयारी करने। तो आज है टेस्ट स्टैटिक्स का है 11th कॉमर्स और ये रहा बैग अचीवर्स, सब निकाल के पढ़ते हैं। फिर मम्मी बोल रही चाय बनाने की, तो अब चाय बनाएंगे हम। कितने बजे? 3:30 बजे, पूरे 3:30 बजे। मम्मी देखो जान हुई है बस। तो 3:30 बजे अब चाय बनाएंगे, फिर चाय बना के पिएगा। ओके चलो। तो आज आप लोगों ने एक मेरी चीज़ देख ली होगी कि मेरा पक्का दोस्त कौन है, मेरा दूसरा सेरू है ना। थोड़ा भी नेक भी नहीं पड़ा और देखा कि बाहर बारिश हो गई। देखिए कितनी सारी बारिश हुई है। और मैं अपने छाता की एक ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ कि कैसी है। तो आपको दिखाता हूँ मेरा छाता कैसा है। बहुत ख़राब छाता है, हल्के में मत लेना मेरे छाते को। ये देखिए छाता का हम लोग घर। अब हम लोग घर के बाहर ही जस्ट खड़े थे और अब हम जा रहे हैं घर पर, कुछ काम हम करेंगे। अच्छी तरीके से छाता भी रख दिया और ये भाई को चाय की थोड़ी ज़्यादा जल्दी पड़ी है। कन पट्टी देने में थोड़ा सवाल कोई हटता नहीं है। वो बारिश मतलब अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कोई क्या है? हाँ अब बिल्कुल सही है। हाँ अब सही है पूरा, अब बिल्कुल सही है। चलो जाते हैं। हाँ भर सको बहुत। मुझे तो मैं दोबारा जाता हूँ पढ़ने। मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ता हूँ, मैं पहले बोलता हूँ मेरे को ज़्यादा पढ़ना बहुत आलस लगता है और मैं दोबारा फिर जा रहा हूँ पढ़ने। पढ़ लिया है यहाँ पर हमने, बच चुके हैं 3-1 घंटा पढ़ा है। ज़्यादा पढ़ना हानिकारक है। और अब बनाने जा रहा हूँ चाय। तो पहले सामान इकट्ठा करता हूँ मैं। चाय बनने रख दी है, ये रही चाय हमारी अंदर। और आज तो एक बात हो गई भाई, मेरा भाई बिगड़ बोले पढ़ने लगा। रियल में भाई मेरे को भी विश्वास नहीं होता है भाई, लगता है स्कूल से कुछ तो दिक्कत आई है। ये देखिए पढ़ रहा है आज तो। क्या मैं इंग्लिश में कर रहे हैं? हाँ। तो भाई गजब। तो पहले मैं चाय पी लूँ, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर ट्यूशन जाऊँगा। ओके हमने चाय पी ली थी और उसके बाद आराम भी हमने कर लिया है। और अब बज चुके हैं राइट 5:30 और अब हम जाएंगे कहाँ पर? ट्यूशन। आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई बच्चा पढ़ता है या ना पढ़ता होवे। बहुत पढ़ता होवे, खेलता भी भले कितना भी होवे, पर पढ़ता भी होवे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। मैं टेस्ट वेस्ट के नहीं, मतलब भले मेरे मार्क्स कम आते हैं, बस कुछ नहीं, बस पढ़ने का और कुछ नहीं। और जो मतलब आपका जो भी कुछ करना हो उसके होल करके रखने का, हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, बस वो कुछ नहीं कहना चाहता। बस इतना ही कहना चाहता था कि मेरे को लगा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ कि पढ़ना नहीं चाहिए, फलान नहीं करना चाहिए। ओके हाँ तो अब मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। और ट्यूशन से आने के बाद देखो मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक्स का टेस्ट दे के आ जाऊँ, उसके बाद इंग्लिश का पीरियड है। ओके तो सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए? बैग लेके ट्यूशन जाना है। और सब उससे पहले मेरे को क्या करना चाहिए? पाउडर लगा के नहा के नहीं हाथ पाए धोके मेरे को ट्यूशन जाना है। ओके तो मैं जाने वाला हूँ अब ट्यूशन। बाय बाय 7:30 बजे के लिए। हाँ हाँ फिलहाल जस्ट ट्यूशन से आया हूँ। देखिए बज चुके हैं 8 होने वाला था, तो उतनी देर में देखा कि बाहर बारिश पड़ना शुरू हो गई ज़्यादा थोड़ी। तो मम्मी ने बोला कि अभी जाएगा तो गेहूँ में भीग जाएंगे, तो मैं इसलिए नहीं गया। और अभी देखते मेरे पापा आने वाले हैं, तो घर पे क्या बनता है और पापा आएंगे और क्या लेके आते हैं। ओके और ये भाई बारिश में नहाया होगा या नहीं नहाया होगा, कितनी तेज़ बारिश हो गई थी आज। ट्यूशन में बैठा था तो ट्यूशन के अंदर तक पानी आने लगा था। तो अब देखते हैं। मम्मी तो आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। तो मम्मी पापा बोल रहे हैं पराठे बनाएंगे और आलू के पराठे। तो अब खाएंगे, पहले पापा का इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा कब तक आएंगे। पापा आए हैं और मंचन लेकर आए हैं और 2 भुजिया और 2 समोसा और आ चुके हैं कंपनी से। इनकी राह देखने में मतलब बहुत देर से, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब पूरे दिन दूर रहते हैं। वो यहाँ में मंचूरन फैल गओ। तो इसको सेट करके जल्दी से निकाल। तो हमने मंचूरन को सेट कर लिया है
वाओ कितने अच्छे लग रहे देखते में। और दो गुजिया, और ये देखिए गुजिया है, और ये रहे समोसे दो। तो गुजिया तो इसलिए लेके आए थे कि मम्मी को ज़्यादा पसंद है, और मम्मी मंचन तो खाते नहीं है, और मैं पापा ने कपड़े वपड़े उतार लिए हैं, तो मतलब चल के आए हैं, तो घर में थोड़ी ज़्यादा लग रही है और बारिश भी हो रही है, तो दोनों लग रही है भाई। तो ये बुला रहे हैं। अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मम्मी नाश्ता हो गया और इसके बाद खा के मैं एडिटिंग करूँगा भाई। अब हर गया, बहुत मंचूरियन भी खाली कर दिया है, सिर्फ पापा का इतना समोसा रह गया है, शायद वो पापा खाएंगे या नौटंकी करेंगे या हमें देंगे, तो हम खा लेंगे, हम ज़्यादा पापा को तंग नहीं करते, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। और ये बन रही है आलू के पराठे की तैयारी हो रही है, तो अब मैं इसके बाद आलू के पराठे खाऊंगा। तो अभी एडिटिंग करूंगा, फिर उसके बाद एडिटिंग करूंगा, जब जाके कहीं मेरी एडिटिंग हो पाती है पूरी। तो यहाँ पर आलू के पराठे बन चुके हैं और पापा फेर रहे हैं दही, अब हम लोग खाएंगे, और खाने के बाद सो जाए। अरे भाई दही मांगने लगे अलग। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, आई होप के आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा भाई, पसंद ही है आया होगा, बस इतना कहना चाहता हूँ। तो बाय बाय, थैंक्स माय वॉचिंग टाइम। ओके शेरू खड़े हो, शेरू शेरू, हाँ मिल लो इनसे।